अलग अंदाज में देख सकते हैं यहाँ पर भैंसे बैठ के। हाँ जी भैया, हाँ जी, हम इसको महंगाई के विरोध में, आज जो देश में महंगाई इतनी चरम पर है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं महंगाई नहीं है, जो सिलेंडर 500-400 का था, जो 1050 का है, आज हम जैसे पेट्रोल और डीजल की महंगाई है उसे देखते हुए, हमारे पूर्वज जो बैल बुग्गी में चलते थे, अब हम दोबारा से बैल बुग्गी में लेके आए हैं। हाँ जी, अब हम वो चलेंगे, हमारे हम सोचते मेक इन इंडिया बनाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, परंतु उन्होंने मेक इन इंडिया की जगह मेक इन इंडिया बना दिया। आज देश में ऐसा हुआ है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया बनाएंगे, हमको तो ऐसे लगता है जैसे हमारे पूर्वज चलते थे ना, हमको भैंसा बुग्गी पर दोबारा चलना पड़ेगा गाड़ियों में छोड़ के। जैसे आज महंगाई की दर है, आज महंगाई दर इतनी महंगी हो चुकी है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं। लेकिन कहा तो यार हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की यात्रा, ये सी को कहा जाता है, वो तो जुमलेबाजी है, हवाई हवाई चप्पल में नहीं चल सकता। जो दिल्ली के अंदर दारू का अंबार भर रखा है, आज दिल्ली के अंदर दारू का अंबार भर रखा है, ए और बी कंपनी बन के इन दोनों, ए और बी कंपनी बन के इन्होंने दारू का अंबार भर रखा है, ठीक है। और आज देश में महंगाई की कोई बात नहीं करते, मुद्दों की कोई बात नहीं करते। आज पहली बार रामलीला ग्राउंड के अंदर माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में हल्ला बोल ले ली, और आज हम जो महंगाई है उसके विरोध समर्थन में, राहुल जी के समर्थन में। तो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम देश के प्रधानमंत्री जी को ये देना मैसेज देना चाहते हैं कि जो महंगाई हो चुकी है पेट्रोल और डीजल के दाम है, क्या हमारे पूर्वजों की तरह हमको भैंसा बुग्गी पे आना पड़ेगा दोबारे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बात करने दीजिए, मुझे थोड़ा सा रोक लीजिए प्रधानमंत्री, ये अभी हम आके बताएंगे, पहले एक बार जरा राहुल जी को मिला फिर आपको बताते हैं। राहुल जी के पास लेके जा रहे हैं? बिल्कुल राहुल जी के पास। ये मोदी जी की फोटो लगाए हैं, ये मोदी जी का अलग अंदाज में देख सकते हैं, अलग अंदाज में जो है हल्ला बोल, महंगाई का हल्ला बोल कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहेगा। ढोलक है, मोदी जी की तस्वीर है, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम सब्जियाँ लटकी हुई है। हाँ जी, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर, हम महंगाई से बहुत पीड़ित है ज्यादा, और सर अब आ नहीं जा रहा, हमारी रसोईयां सूखी पड़ी है। करो, इसका क्या मतलब है? महंगाई कम किया जाए, दुर्गति है, इसका मतलब ये है, सारी आदमियों को ये बना दिया है। नहीं तो ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब? अरे इसका मतलब तो आप खुद देख रहे हैं, भैंसे पे सवार होके आदमी चल रहा है, समझ में आती, इसका क्या मतलब? बैलगाड़ी का ये वाहन है, ये बैलगाड़ी का पेट्रोल डीजल नहीं ले पा रहे हम लोग। अच्छा, पेट्रोल डीजल नहीं ले जा रहे, ये नौबत आ गई कि भैंसे पे जाना पड़ेगा। हाँ सर, पुराने जमाने में चले गए, पुराने जमाने में चले गए सर, हमारा देश पीछे 20 साल पीछे चला गया। तो सर अब हमारे यहाँ हमारी सर हमारी पॉकेट में नहीं बचा कुछ, अब हम पेट्रोल डीजल नहीं खरीद पा रहे, हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे, अब तो भैंसे से ही जाएगा, या तो पैदल जाएंगे तो भैंसे से चलेगा ये चुनाव में सर? चले देखिए, चलेगा क्यों नहीं चलेगा सर, जनता देख रही है सर, जनता देख रही है। कैमरे में से गुजारिश है थोड़ा आगे जाएं, आगे से जाकर के थोड़ा वीडियो बनाएं, बातचीत करते हैं। अलग अलग राज्यों से महंगाई पर हल्ला बोल चल रहा है और अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, बातचीत तो करना बनता है, बातचीत करेंगे। हाँ जी भैया, मैं ये कह रहा था चुनाव में चलेगा आपका ये बुग्गी वाले? चुनाव जब ऐसी स्थिति होगी तो चुनाव में बुग्गी भैंसे पे करना पड़ेगा, चुनाव भी बुग्गी भैंसों पे करना पड़ेगा, इससे कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? हाँ फर्क पड़ेगा मैम, पड़ेगा। कहाँ से लेंगे दूध के लिए भैंस? इतनी महंगाई होगी हमारी रसोई के अंदर, रसोई कहाँ से चलाएंगे हम? इतना महंगा हमारा सिलेंडर हो गया है। हाँ, मैम अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे, ये क्या लेकर आ रहे हैं? ये नलायक सरकार आ गई,
नलायक से भी नलायक, इसको हम भगाएंगे, हम देश के सारे मिलकर भगाएंगे। राहुल गांधी को लाओ, हमारी राहुल गांधी जिंदाबाद, हमारी सोनिया गांधी जिंदाबाद। देश चलाया 70 साल से और हमारा देश आजाद करवाया। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कौन सी वाली लड़ाई है? हमारी लड़ाई मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ाई है, हमारे महंगाई से लड़ाई है। चुनाव में लड़ाई दिखती नहीं है, लड़ाई है हमारे चुनाव में नहीं दिखती है लड़ाई भैया। बहुत लड़ाई है महंगाई की। अच्छा, सब कुछ बर्बाद कर दिया, देश गिर में रख दिया, रेल गिर में रख दी, हवाई जहाज गिर में रख दिया।